वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं हम, आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। काम की बात आज बहुत काम की बात इसलिए है, हमारा फेस कैसे ग्लो करे, हाथ कैसे ग्लो करे, पांव कैसे ग्लो करे, बॉडी का कोई भी पार्ट जिससे मुतालिक आप कंसर्न्ड हैं कि किस तरह से वो सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जो कि अमूमन जिल्द के रहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं हमारी गेस्ट से। बहुत सारे आज हम रेमेडीज़ भी आपको बताने वाले हैं। डॉक्टर बतूल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट तो हैं ही हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, लेज़र स्पेशलिस्ट, एस्थेटिक काउंसलर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैर से आयशा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है इतने अरसे बाद आपसे मुलाकात करके। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मैंने डॉक्टर बतूल को बताया, वो मैं गई थी इनके पास जो है ना वो डिफरेंट चीजें कराने के लिए अपने फेस से रिलेटेड। सो अमेजिंग, वेरी गुड। सो डॉक्टर बतूल, आज आप हमारे सबसे पहले हाथ और पाँव के लिए अगर कुछ ऐसा बता दें, ये दोनों इग्नोर्ड जगह हैं और बहुत सिंपल और आसान सी रेमेडी बता रही हूँ जो पूरी दुनिया में किसी को कोई मसला नहीं होगा। वाह, लिटरली हर चीज़ आपके किचन में अवेलेबल है। सिर्फ एक ऐसी है एडिशनल, हाँ, कि अगर आपको बहुत लगता है कि तेज़ी से एजिंग हो रही है हाथ की, देन यू हैव टू यूज़ दैट वन। आपने ऐड करना है कार्बोनेटेड ड्रिंक, ऑलमोस्ट अब हर घर में ही होता है, आप जितना अवॉइड करना चाहें लेकिन होता है। होता है, इसका फ़ायदा ही होता है आयशा, जो मैं हैंड एंड ग्लो की रेसिपी बता रही हूँ इस वक्त, एंटी एजिंग भी होगा और आपका जो है वो कॉम्प्लेक्शन साफ होता चला जाएगा। जैसे जैसे आप ये लगाएंगे वैसे वैसे आपके रिंकल्स हटते जाएंगे। ये वो वाली ऑरेंज फ्लेवर की ड्रिंक है? ऑरेंज फ्लेवर की ड्रिंक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, या तो आप वाइट ले सकते हैं या ऑरेंज ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कलर की वजह से फॉस्फोरिक एसिड ज़्यादा होता है। अच्छा ठीक है, इस वजह से इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा। हमने इसमें शामिल करना है एक बड़ा टेबल स्पून, ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे, ये कोकोनट ऑयल है, ठीक है, एक स्पून। फिर मैं इसमें डालूंगी पिंच ऑफ सोडा, लिटिल बिट, बिल्कुल। ये वही खाने वाला सोडा? बिल्कुल खाने वाला सोडा, मीठा सोडा जिसे कहते हैं ना, इस तरह ये मिक्स कर लेंगे हम। और फिर हम इसमें डालेंगे एक कैप्सूल CoQ10 की, दिस इज बेस्ट एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट। अच्छा, तो इसको खाया भी जा सकता है, लगाया भी जा सकता है? बिल्कुल, ये हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए और एंटी एजिंग के लिए तो होती है, स्पेशली उन लोगों के लिए होती है जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, तो वो जो एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन ले रहे होते हैं अपनी ट्राइग्लिसराइड्स को नीचे लाने के लिए, उनमें ये करती है कि अंदर हार्ट के ऊपर एक लेयर ऐसी बना देती है कि वो हार्ट का हेल्दी फैट उसमें नहीं निकल रहा होता। क्योंकि आप जब कोई ऐसी एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन लेते हैं तो आपके हेल्दी फैट को भी रिमूव कर रही होती है। तो ये बेसिकली, इसलिए एंटी एजिंग बहुत हार्ट के लिए बहुत अच्छी है और स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। इसमें जो पाउडर है वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छा, इसमें से पाउडर निकलता है? आई वाज एक्सपेक्टिंग शायद लिक्विड निकलेगा। नो नो नो, लिक्विड नहीं है ये। अच्छा, खाना ये आपने अपनी डॉक्टर को दिखा कर एग्जामिन करवा कर ये लगा सकते हैं? तो स्किन के लिए मैं बता रही हूँ, स्किन के लिए लगाने की अभी बात हो रही है, ठीक है। अब ये देखिए, ये बन गया आपका। अब ये क्या बन गया? ये सीरम बन गया 5,000 रुपीज का। लिटरली आई एम टेलिंग यू ट्रूली, मैं नाम नहीं ले सकती, नहीं तो मैं आपको बता देती। आप जाकर जो है कोई भी अच्छी सी वेबसाइट पे देखिए और इसको लगा कर आप इम्पैक्ट चेक करिए। चिकना है, अब जैसे जैसे एब्जॉर्ब करती जाएंगे ये एब्जॉर्ब होता चला जाएगा, ठीक है, एंड गिव सो मच शाइन। और जैस आप इसको सिर्फ 1 वीक यूज करेंगी और डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इसकी स्मेल कितनी प्यारी है, बहुत ही है ना, मध्यम सी, हल्की सी, सिर्फ कोकोनट की, इसमें वो की, यस, नहीं बहुत वो गंदी वाली है, कोई इस तरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। और ये सिर्फ ये इंग्रेडिएंट्स हैं, आप देखें, आप 5,000 रुपीज का सीरम की तरह बनाए, बिल्कुल आप इसे बना कर रख सकते हैं, बिग क्वांटिटी में रख सकते हैं। सिर्फ आपने ये करना है कि डार्क एम्बर ग्लास की जो बॉटल होती है उसमें रखिएगा, प्लास्टिक वाली में नहीं, प्लास्टिक में नहीं रखना, प्लास्टिक में फिर खराब हो जाता है। आपने सिर्फ डार्क एम्बर कलर की बॉटल में आप 30 डेज के लिए सेव कर सकते हैं इसको। वाओ डॉक्टर, ये देखें, चिकना नहीं है ना? बिल्कुल चिकना नहीं है। और ये लगाए, ये देखें, अगर आप डिफरेंस नोट करें, लिटरली ये मेरी आंखों के सामने, मैं इस वक्त देख रही हूं, ये बिफोर आफ्टर है और ये बिफोर है, ये जो शाइन आई है, इट्स सो नाइस। और आपके लिए कॉलर भी है, मिसेस हसन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसा मौसम है मुल्तान में? गर्मी फुल आ गई है? हाँ जी, गर्मी आ गई है, ठंड भी है, रात को ठंड हो जाती है। जबरदस्त, तो आपका क्या सवाल है? मैं नेल्स के बारे में पता करूंगी, मुझे नेल्स चबाने की बहुत आदत है। अच्छा, ओके, तो एक दफा बढ़ जाए तो नहीं चबाती, लेकिन तो बढ़ा कोई आदत खत्म हो जाए और कोई अच्छा हो, ग्रोथ भी बिल्कुल रुक चुकी है मेरी ना, नेल्स चबा चबा के। अच्छा, देखो बेटे,
ठीक है, ये देखो दो प्रॉब्लम होती है, एक एंजाइटी का फैक्टर हो सकता है कि आपको बहुत एंजाइटी की वजह से आप जो है बाइट करती हैं, ठीक है, आपको खुद पता है कि जब आप बढ़ा लेती हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती है, तो एक अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करिए। आप एंजाइटी के कुछ विटामिंस होते हैं जो जिनकी कमी से एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, एक आपको फॉलिक एसिड का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है और विटामिन डी का लेवल बहुत अच्छा रखना है, ठीक है। विटामिन डी के लिए मैं इतना चबा जाती हूं कि मुझे दर्द होने लग जाता है उंगलियों में। ठीक है, तो अब देखो ये एक तो सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अपने दिमाग तक सिग्नल पहुंचाने के मैंने नहीं बाइट करनी, मैंने नहीं बाइट करना, ठीक है। जैसे एंजाइटी आपको ट्रिगर करती है ना कि बाइट करो बाइट करो, ऐसे ही आपने अपने आपको ट्रिगर करना है, मैंने नहीं बाइट करना, मैंने नहीं बाइट, तो आप नहीं करेंगी, दिमाग तक वो पॉजिटिव सिग्नल जाएगा और आप उसको नहीं बाइट करेंगी। तो थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल ना, जिस तरह हम रोजा रखते हैं ना कि सुबह से शाम तक हमने कुछ नहीं खाना, तो सेल्फ कंट्रोल है ना, इसी तरह ये बीमारी भी सेल्फ कंट्रोल है। दूसरा, फॉलिक एसिड अच्छी खाइए, विटामिन डी की 2 लाख यूनिट की कैप्सूल्स मिलती हैं, वो वंस वीकली लीजिए, हफ्ते में एक दफ़ा दूध के साथ, आप सही हो जाओगी इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर बतूल। ऐसी कितनी चीज़ें होती हैं जो हमें बिहेवियर में हमारी फील होती हैं और पता भी नहीं होता कि किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है वो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, विटामिन डी तो मुझे लगता है हर किसी को चेक करवाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपने ये ग्लोइंग किस्म का मास्क बनाया है हाथ के लिए पांव के लिए, इसको कब कब लगा सकते हैं हम? एनी टाइम लगा सकते हैं, एनी टाइम, और इसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं है जो आप चूल्हे के आगे जाकर ना लगाएं, सुबह उठ के हैबिट बना लीजिए लगाने की। तो आपके हाथ जो आपके कुकिंग में अफेक्ट हो रहे होते हैं, जिन पे धुआं पड़ रहा होता है, तो वो आपकी डार्कनिंग भी नहीं होगी, आपके एंटी एजिंग इफेक्ट भी बहुत अच्छा देगा, बुढ़ापा का भी नहीं आएगा। अरे वाह, जबरदस्त। और पता है ये अगर मैं हाथ के बैक साइड पे भी लगाऊं तो मैं इसलिए लगा रही हूं, सॉफ्टनेस है ना, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो रहा कि मैं किसी चीज को पकड़ नहीं पा रही, उतना स्लिपरी नहीं है, जबरदस्त। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मॉइस्चराइजिंग लोशन एंड द सीरम्स। सीरम्स जो है वो वाटर बेस्ड होते हैं और वो वाटर बेस्ड मैंने इससे शामिल किया है, और फॉस्फोरिक एसिड है तो वो जब कंबाइन हुआ है तो उसने ऑयली इफेक्ट जो है ना उसको जो है न्यूट्रलाइज कर। वाह, ये डॉक्टर ही बता सकता है इस तरह की टर्मिनोलॉजी में। अच्छा भाई साहब कॉलर भी है, सबा उनसे भी बात कर लेती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मुबारक आपको और आपकी टीम को। आपको भी सवाल कीजिए, क्या सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर बतूल हमारे साथ? डॉक्टर बतूल का तो इंतजार रहता है कि कहाँ बैठी और मेरी कॉल मिल जाए, तो मिल नहीं पाती, आज इत्तेफाक से कॉल मिल गई। मुझे इनसे पूछना था कि जैसे मेरी सिस्टर हैं, उनके जो बाल हैं ना बैक पे, उनकी ना थोड़ी सी ग्रोथ ठीक है, लेकिन फ्रंट पे काफ़ी, मतलब उसमें जगह जगह से बहुत कम है बाल। ठीक है, तो इसके लिए क्या आया, अच्छे खासे थे बाल, दिन ब दिन उनको डायमिसिस जैसे होती हैं और उनमें ना गैप होता जा रहा है। ठीक है, यानी कि उसमें ना ज़्यादा हेल्दी बाल नहीं है। अच्छा, उसके हिसाब से। और दूसरा ये कि उनके इस तरह से है कि नेल जो है ना उनमें ना गढ़े पड़ रहे हैं और बढ़ते भी नहीं हैं, इतने गढ़े पड़ जाते हैं इवन कि उनकी उंगलियां काम नहीं कर पाती और दुखने लग जाती हैं और बढ़ते भी नहीं, और बहुत मतलब स्पेशलिस्ट को भी दिखा चुके हैं, काफ़ी मेडिसिन भी यूज़ कर चुके हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा डॉक्टर बतूल, आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं। हाँ, एक तो आप एज बता दीजिए अपनी सिस्टर की। उनकी 32। 32 है। अच्छा देखिए, आप ये जितने फैक्टर्स बता रही हैं डेफिनेटली ये इंटरनली रिलेटेड हैं। एक तो हीमोग्लोबिन CBC उनका अच्छा करा लीजिए आप, और थायराइड का टेस्ट करवाइए, विटामिन डी करवाइए और सीरम टेस्टोस्टेरोन कराइए। बाज़ दफ़ा जो आप पैटर्न बता रही हैं हेयर लॉस का, फीमेल बॉडी में मर्दाना हार्मोन बढ़ने की वजह से भी ये इशू होता है। जब आप ये टेस्ट करवा लें तो मेरा नंबर इस पर चल रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकती हैं इन डिटेल में, तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे मेडिसिन बता दूँ कंक्लूसिव, इफ़ आप एक डायग्नोसिस पे इन टेस्ट के बाद ही पहुँच सकते हैं। एक वो जो उनको पिटिंग हो रही है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। अब हमें ये देखना होगा कि विटामिन डी कितनी हद तक के कम है, ताकि डिसाइड किया जा सके कि उनको डेली बेसिस पे विटामिन डी लेनी है या इंजेक्टेबल फॉर्म में लेनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये टेस्ट करा के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा विद रेफरेंस ऑफ दिस शो। नहीं तो आप सिर्फ अगर रिपोर्ट्स भेज देंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये किसकी रिपोर्ट्स है? तो मोस्टली पीपल करते हैं। मैं आपकी बात को कट कर रही हूं, कोई बात नहीं। मुझे ये पूछना है कि आया आपसे राबता व्हाट्सएप पे या आपके पेज पर किस तरह किया जाए? आप कराची से? मुल्तान से। मुल्तान से आप मुझे व्हाट्सएप करिए, फिर मैं आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन भी दे सकती हूँ। आजकल तो देखो इतनी दुनिया स्मार्ट हो गई है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, हम तो यहाँ से बैठकर USA और कनाडा के पेशेंट देख लेते हैं। तो आप तो मुल्तान में हो, कोई ऐसा इशू नहीं है बेटे, आप वीडियो कॉल भी कर सकती हैं और जो है मैं कंडीशन देख कर आपको सारी चीज़ें गाइडलाइन कर दूँगी। लेकिन आप बेसिक ये टेस्ट करा लीजिए पहले, दे आर इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, कंक्लूसिव डायग्नोसिस इसी के बाद हो जाएगी। ठीक है, अच्छा आई एम श्योर कि जो डॉक्टर बतूल का नंबर है वो चल रहा होगा स्क्रीन पे, वहां से देखकर आप उनसे रابطہ कर सकते हैं। टेस्ट कराने जरूरी है, देखें डॉक्टर डॉक्टर है, मैजिशियन है, जब वो रिपोर्ट देखेंगे ना तब वो आपके लिए बताएंगे कि आपको किस चीज की जरूरत है, जरूर टेस्ट भी करवाइएगा। अच्छा जी, अब क्या हम कुछ फेस ग्लोइंग फेस के लिए कुछ बनाने वाले हैं डॉक्टर? बहुत इशू, गर्मियां स्टार्ट हुई हैं, बच्चों का पानी पीना कम होता है, इवन बड़ों का होता है, फेस पे मार्क्स पड़ रहे हैं, एक्नी के स्कार छोड़ के जा रहे हैं, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फेस ग्लो की मैं एक रेसिपी बता रही हूँ, और जो है ये ऐसी रेसिपी है कि इसके बाद ना आपको PRP की नीड होगी, ना पिगमेंटेशन रहेंगे, और ना ही आपको फेस पे ग्लो का इशू होगा। तो फेस ब्राइटनिंग इफेक्ट भी बहुत अच्छा आएगा और फेस ग्लो भी बहुत अच्छा। आज मेरी तो फेवरेट डॉक्टर बतूल आई हुई है, बिकॉज जब भी कभी हम कुछ रेमेडी करते हैं, कोई टोटका करते हैं, तो मुझे ऐसा फील होता है कि क्या ये जिम्मेदारी से हो रहा है या नहीं हो रहा। डॉक्टर बतूल डॉक्टर हैं, वो जब कुछ आपको मिक्स करके बता भी रही होती है तो रीजन भी साथ में बता रही होती है कि क्यों वो आपकी सेहत के लिए या क्यों वो आपकी स्किन के लिए अच्छा है। सो अब हम जानेंगे आपसे कि फेस ग्लो सब कुछ चाहिए। देखिए आयशा, द थिंग इज दैट कि PRP हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, लेज़र पीर हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। मेरी कोशिश ये होती है कि हम किचन से ही ऐसी चीज़ें लें जो आपको अप टू दैट आपको वो रिजल्ट दे, लेकिन अगर आपको इंटरनली जो हमने फैक्टर्स अभी डिस्कस किए हैं अगर उसकी कमी है तो आपकी स्किन कभी ग्लो नहीं कर सकती। आप मुझसे पूछ रही थी कि मेरी स्किन, मैं अपना विटामिन डी का लेवल बहुत अच्छा रखती हूँ, मुझे एक ज़माने में हीमोग्लोबिन 6 हो गया था, अब मैं कोशिश करती हूँ मेरा 11 रहे। और वो कैसे करती है आपको? सेब खाती हूँ सुबह में, निहार मुँह हर सूरत पहले सेब खाती हूँ या केला खाती हूँ, और उसके बाद नॉर्मल नाश्ता करती हूँ। नाश्ते के बगैर मैं कभी घर से नहीं निकलती। बस ये अब मैं भी करने वाली हूँ और आप लोगों ने भी करना है। सेब और केला, उस पर तो कुछ पकाने की भी जरूरत ही नहीं है ना, बिल्कुल। अच्छा, हमने लेना है ये पील, ठीक है, फेस ग्लो, फेस ग्लो के लिए। अब केला तो हर मौसम में मौजूद होता है, बिल्कुल ठीक है। इस केले के साथ हमने लेना है ये, इस तरह लिया। अब आप इसके ऊपर थोड़े से ऐसे कट लगा दीजिए, क्योंकि इस केले के छिलके में होता है पोटेशियम, तो वो हर किस्म की पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है। अब हमने ये लिया खुश दूध, ठीक है, ऐसे लेना है हमें, और ये है विटामिन ई की एक कैप्सूल, ठीक है, ठीक है। आप ये बाहर की है, इसमें क्योंकि हर फॉर्म ऑफ विटामिन ई मौजूद है, तो मैंने हर फॉर्म ऑफ विटामिन ई के लिए, क्योंकि हम फेस की बात कर रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर आपने इस तरह ये विटामिन ई की कैप्सूल डाल दी। अगर ये इंपोर्टेड वाली नहीं मिले तो ये लोकल वाली भी ले सकते हैं, उसमें वन फॉर्म ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू इन दैट। ये तो हमें पता ही नहीं था, विटामिन ई एक फॉर्म का नहीं होता, नहीं, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि हम फेस की बात कर रहे हैं तो हमें हम हर फॉर्म वाली चाहिए। अब ये इस तरह आप फ्रीज कर सकते हैं। अब वो जो काम पे जाते हैं, वो फीमेल्स या मेल हजरात जो ऑफिस वर्क करते हैं, बाहर होते हैं, आपने इसको फ्रीज कर दिया, आप घर आए, आपने पूरे फेस पे इस तरह लगाया, तो इट विल वर्क एज ए क्लिंजर, इट विल वर्क एज ए मास्क, ठीक है। अच्छी तरह आपने क्लींस किया फेस को, लगा के छोड़ दिया, आंखों पे रख लीजिए, यहाँ पे कितना इजी है ना, देखिए छिलका भी नहीं फेंक रहे। वाह, अल्लाह ताला ने कितनी अफादियत रखी, बिल्कुल। वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह ताला। बस ये आपने फेस पे लगा कर ऐसे आपने 20 मिनट्स के लिए लेट जाइए फैन के नीचे, और फिर ग्लो देखिए। वाह, क्या किसी बात है, आपको फेशियल की नीड ही नहीं होगी, जबरदस्त, किसी भी फेशियल की जबरदस्त। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, फातिमा है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक फातिमा, मैं तो इस वक्त आई एम अमेज्ड, इतनी ऐसी चीजें जो घरों में होती हैं उनसे बता रही हूँ। डॉक्टर बतूल साहब का क्या सवाल है? मुझे एक सवाल करना है कि एक तो मेरी ना दो टोन हो जाती है फेस अगर कोई बाहर निकलो तो, ठीक है ठीक है, और दूसरा मुझे अपने नेल्स के बारे में पूछना था। पूछे? हेलो जी जी, पूछे। पूछना था कि मेरे हैंड के जो नेल्स है ना वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो फीट के नेल्स है ना वो मतलब कि क्रैकी हैं, और थोड़ा सा ना उसमें जो नेल्स के अंदर है ना ब्लैक ब्लैक लगा हुआ होता है, मतलब कि जितने भी साफ कर लो तो वो साफ नहीं करनी होते हैं, ठीक है, ब्लैक लाइंस पड़ गई हैं आपके। ठीक है जी जी, ठीक है फातिमा, ठीक है फातिमा। द थिंग इज दैट कि आपकी जो टू टोन स्किन हो रही है वो बेसिकली आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रही है। अगर आपका ये पार्ट डार्क रहता है तो आपने सीरम टेस्टोस्टेरोन कराना है, रात में जल्दी सोइए, रात को रात समझिए और फजर को फजर समझिए। मोस्टली लोग फजर पे सो रहे होते हैं, क्योंकि ये जो फजर पे सोना है या आपकी फीमेल बॉडी में मेल हार्मोन बढ़ा रहा है, और ये तकरीबन पूरी दुनिया का इशू है स्पेशली आफ्टर कोरोना। तो आपने ये ख्याल रखना है कि ईशा को ईशा समझिए और फजर को फजर समझिए। ये बात के जो है मैं 6 घंटे की नींद पूरी कर लेती हूँ,
अगर आप सुबह फजर के टाइम सोएंगी तो कोशिश आप उस वक्त जब सो रही हैं उस वक्त थायराइड हार्मोन उठा हुआ होना चाहिए। अब थायराइड हार्मोन को आपने सुला दिया, जब सुलाया तो वो मर्दाना हार्मोन आपकी बॉडी में बढ़ाएगा, आपके यहाँ पे बाल जो है निकलेंगे ऑल ओवर द फेस जहाँ पे नहीं होने चाहिए, सर के बाल गिरेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। बाकी आप फॉलिक एसिड अच्छी खाइए, जो आपके काली लाइंस पड़ रही हैं वो विटामिन B12 की कमी से होती हैं। दोनों की मेडिसिन इजीली मार्केट में अवेलेबल है। विटामिन B12 का नाम लेंगी आपको बहुत अच्छी कंपनीज की मिल जाएंगी, आपने डेली बेसिस पे लेना है। डाइट अच्छी रखिए और थोड़े दिन गोश्त का इस्तेमाल नहीं कीजिए ताकि आपकी बॉडी में अगर मर्दाना हार्मोन बढ़ा हुआ है तो वो सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, और इस गोश्त में रेड मीट है या फिर चिकन और फिश भी? एवरी टाइप ऑफ, सिर्फ आप फिश ले सकती हैं, ठीक है, बाकी रेड मीट आपको बंद करना होगा, रेड मीट भी और चिकन भी। ठीक है, एक बार बता दीजिएगा जो आपने टेस्ट बताया था ना हार्मोन्स का, वो एकदम से आपने सीरम टेस्ट जो इसेरॉन? ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा जी डॉक्टर बतूल, अब क्या बनाने लगी हैं आप? हम ग्लो, फेस का ग्लो हो गया, फेस हाथ हो गए और पांव हो गए। अब बेसिकली ये है आयशा कि हमने जो है बनाना है ओपन पोर्स, ये यहाँ पे खुल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो ये हम रेमेडी बना रहे हैं ओपन पोर्स के लिए। और ये बहुत मसला होता है कि मैं तमाम किस्म के मास्क लगा चुकी हूँ और मेरा इशू सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हमने बहुत आसान सी चीज़ लेनी है। क्या ये एक टोनर की तरह? टोनर की तरह होगा। ओके। और इसमें आपने मिलाना क्या है? बस ये तीन चीज़ें, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने मार्केट से लिया है, लेकिन आपने रोज़ वाटर आप घर में भी बना सकते हैं। आपने सिर्फ पत्तियाँ लेनी है गुलाब की, उसको आपने देगचे में डालना है, इतना डालना है कि वो उसके बराबर आ जाए, उसको एक बॉयल देकर आप छान लीजिए, आपका रोज वाटर तैयार। जबरदस्त, मजाक से लेने की जरूरत ही नहीं है। बारह हमने ये लिया है, ठीक है, ठीक है, इस तरह हम निकाल लेंगे इसको रोज वाटर को। तकरीबन मैं शामिल कर रही हूँ आधा प्याली, ठीक है, और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे एक स्पून दे दीजिए, एक चम्मच सौंफ। सही। अच्छा, इसको पकाना नहीं है सौंफ को, और वो क्रश भी नहीं करना, नहीं, कुछ भी नहीं करना, सौंफ अपने इंग्रेडिएंट्स खुद ही छोड़ देगा, ठीक है। और फिर हमने इसमें शामिल करना है पिंच ऑफ सोडा, पिंच ऑफ सोडा वही खाने का। अब आप इसी तरह की बॉटल में इसको भर के रख सकती हैं सौंफ समेत ही, 12 घंटे के बाद 24 घंटे के बाद सौंफ के अपने इंग्रेडिएंट्स निकलना शुरू हो जाएंगे, और जो वो भीनी भीनी रोज के साथ की खुशबू आएगी ना, और जो आप टाइटनिंग इफेक्ट फील करेंगे, आप सारे टोनर्स भूल जाएंगे। देखिए ना, इसमें अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल बेस्ड टोनर लगाने से भी बहुत ज़्यादा आपके ओपन पोर्स हो जाते हैं, तो दिस इज़ ए मिस्ट, बेसिकली मिस्ट टाइप। ये तो मुझे अच्छा, उसकी खुशबू वैसी है सौंफ और रोज की, रोज की जैसे वो हमारे जो लोकल ब्रांड्स नहीं है, काफी सारे वैसे ब्रांड्स। एग्जैक्टली, वाह, बिल्कुल सही पहुंची हैं आप। अच्छा, कुछ नेचुरल नेचुरल टाइप। इसको आपने सिर्फ यूं स्प्रे करना है, फ्रिज में रखना है इसको, और जितनी दफ़ा आप फ्रिज ओपन करें, 3-5 दफ़ा आपने करना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि इसमें हमने मीठा सोडा डाला है, तो मीठा सोडा आपके पोर्स को पहले थोड़ा ओपन करता है, तो नाक पे और उस पर जो आपके वाइट हेड ब्लैक हेड जोरे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो खुद ही पॉपअप होंगे। आपने कुछ नहीं करना, आपने इस तरह टिश्यू लिया और ऐसे करके निकाल लिया और उसको लगा के थोड़ी देर के बाद निकाल, बिल्कुल, हाँ, थोड़ी, मतलब आपने बस स्प्रे किया, आपको खुद लगेगा कि पॉपअप हुए हैं। आपने स्क्वीज नहीं करना उसको, नाखून नहीं लगाना, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी, आपने सिंपल टिश्यू लिया और ऐसे करके निकाल दिया, आपकी खुद ब खुद क्लीन हो जाएगी। वेरी गुड, क्योंकि स्क्वीज करते हैं तो निशान पड़ जाते हैं, फिर गड्ढे पड़ते हैं, और फिर और बड़ा ओपन पोर होता है, ठीक है, तो वो पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए और खत्म करने के लिए बेहतरीन रेमेडी है। और डॉक्टर बतूल, बस एक चीज और बता दीजिए कि अगर जैसे अभी ये किया है और उसके बाद फॉरन मेकअप कर लिया, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो आपके पोर्स मिनिमाइज हुए हैं, आप इसी के ऊपर एज ए प्राइमर की तरह काम कर रहे हैं ना, और अच्छा आपका सेट होगा। अगर आपका एक घंटे स्टे टाइम है मेकअप का, तो 2-3 घंटे और पसीना नहीं आएगा बिल्कुल, ठीक है। जबरदस्त, इस्लामाबाद से सुमेरा भी है, उनसे भी बात करते हैं, उसके बाद कुछ और भी बताने वाली हैं आपको, एक मास्क बताऊंगी, मास्क बताने वाली हैं। सुमेरा से बात करते हैं पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं सुमेरा, क्या पूछना चाहेंगी? हाँ जी, मैं डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहूंगी कि मेरे बेटे की 16 ईयर्स एज है और उसको ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम किस्म की स्वेटिंग होती है हाथों पे, पैरों पे, इस हद तक कि जब वो लिखने भी बैठता है ना तो उसका सारा वो पेपर गीला हो जाता है, पेन पकड़ना मुश्किल हो जाता है, तो काइंडली मुझे उस हवाले से कोई टिप्स दें, कुछ गाइडलाइन चाहिए। अच्छा, आपने कभी थायराइड टेस्ट करवाया उसका? नहीं मैम, नहीं करवाया। आप पहले थायराइड टेस्ट कराइए, क्योंकि ये थायराइड में इशू होता है मोस्टली,
ठीक है, अगर थायराइड का इशू आता है तो वो जब थायराइड की मेडिसिन लेगा तो उससे इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अब देखें, कमी भी हो सकती है और ज्यादती भी हो सकती है। अब वो थायराइड के टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि दोनों में से क्या इशू है, फिर उसी के मुताबिक। तो होम रेमेडी मिल सकती है मुझे वैसे, कोई ऐसा कोई टिप, कोई सॉरी टिप बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखें, आप इसको सॉर्ट आउट करें ताकि वो बच्चा आखिर कब तक के रहेगा। आपने सिंपल ये करना है कि आपने पानी भरना है एक छोटे से बोल में, उसमें आपने एक चुटकी डालना है सोडा और एक चुटकी डालना है फिटकरी और उसमें हैंड डिप कर दें। तो ये देखें, इसका इलाज ये होता है कि अगर थायराइड इश्यूज रिजॉल्व होने के बाद भी बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो वो इस वजह से होता है कि थायराइड तो सही हो गया लेकिन यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिविटी वो वैसी ही रहती है, वो थायराइड कंट्रोल नहीं कर पाता। तो हम लोकली बोटॉक्स लगाते हैं तो बोटॉक्स से वो स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप बोटॉक्स नहीं अफोर्ड कर सकती हैं तो फिर आपने सिर्फ ये रेमेडी इस्तेमाल करें, ये आपको 2-3 दिन तक के इफेक्ट देगी, फिर 3 दिन के बाद आपको दोबारा रिपीट करना होगा। आपने सिर्फ बोल में ठंडा पानी लेना है चिल्ड, जिसमें वो बच्चा अपना हाथ रख सके, उसके बाद आपने एक चुटकी सोडा डालना है और बिल्कुल छोटा सा पीस फिटकरी का डालना है और उसको डिप कर ले। वो 10 से 15 मिनट डिप करेगा तो तकरीबन कुछ लोगों को 3 से 4 दिन का स्टे टाइम होता है, कुछ लोगों को 1 वीक तक के इफेक्ट मिलता है, डिपेंडिंग के उनका थायराइड का लेवल कितना है। लेकिन कोशिश करें कि आप थायराइड का टेस्ट करा लें, T3, T4, TSH, ये 3 टेस्ट होते हैं ब्लड के, और इससे आपको पता चल जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा कि आप उसका इशू है या नहीं है। अदरवाइज आप ये रेमेडी यूज़ करते रहें, जब एग्जाम देने जा रहा है स्पेशली तो आप ये रात में करवा दीजिए ताकि सुबह उसको ये इशू ना हो। ठीक है, वाह कितनी डिटेल से आप जवाब देती है, जबरदस्त। आप भी सवाल कर सकते हैं डॉक्टर बतूल से, कोई भी करना चाहते हो। और यहाँ पे जो लास्ट आपने क्या मास्क हमें बताना है, वो किस चीज के लिए है मास्क? फेस ग्लो के लिए जनाब, सब कुछ बना लिया ना, पूरा तो फेशियल हो रहा है। बिल्कुल, ये तो फेशियल हो गया, एग्जैक्टली नेचुरल किस्म का फेशियल। अच्छा, बहुत आसान सी रेमेडी है इसकी भी। हमने लेना है 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच खीरे का पानी, खीरे को ब्लेंडर में ब्लेंड करके पानी निकाल लिया आपने। ठीक है, इसको हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरह। ठीक है, चावल का आटा पानी। अच्छा, आपने मिक्स करना है, देखें अगर पानी की कंसिस्टेंसी अगर आपको लग रहा है इसकी मास्क की कम है तो थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए। अच्छा, और ये भी बताइए, ऑयली स्किन के लिए या ड्राई स्किन के लिए? फॉर एवरी टाइप ऑफ स्किन। जो इंग्रेडिएंट मैं आयशा, मैं इतने सेफ इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि अगर आपको फायदा नहीं हो रहा ना तो नुकसान भी ना। सही है, ठीक है। अच्छा, ये मैं ले रही हूँ विटामिन सी की कैप्सूल। अच्छा, वो कार्ड में जो है विटामिन सी ड्रॉप्स लिखे होंगे, बच्चों के आते हैं छोटे से, वो भी ले सकते हैं आप, विटामिन सी की कैप्सूल भी ले सकते हैं। ये मैंने कैप्सूल इसलिए लिए कि इसमें रोज़ हिप विटामिन सी है। अब रोज़ हिप का मतलब ये होता है कि जो एक छोटे छोटे जिस तरह गुलाब होता है ना, उस तरह के फूल होते हैं। ठीक है, उस एक फूल में 1500 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, डेली रिक्वायरमेंट आपकी। तो वो एक अगर आप खा लें तो रोज़ है विटामिन सी, थोड़ी लिटिल बिट एक्सपेंसिव होती है। इसके सीरम्स भी अवेलेबल होते हैं, और जो है एक ऑरेंज बेस्ड होती है और लेमन बेस्ड होती है, आप वो भी ले सकते हैं। और जो बच्चों के ड्रॉप्स होते हैं आप वो भी ले सकते हैं। बच्चों के ड्रॉप्स अगर आप ले रहे हैं तो 5 से 6 ड्रॉप शामिल करेंगे। मैं ये कैप्सूल ले रही हूँ तो मैं 1 कैप्सूल शामिल कर रही हूँ। ये भी पाउडर ही की फॉर्म में निकली है। ठीक है, अच्छा तभी रोज हिप इतनी फेमस है। तभी रोज हिप इतनी फेमस और इट्स एक्सपेंसिव आल्सो। ठीक है, ठीक है, वो एक्सपेंसिव इसीलिए कि एक बर्ड जो है वो 1500 मिलीग्राम आपको दे रहा है। अब ये जो मैंने बनाया है, बेसिकली आजकल बहुत आपने सुना होगा हाइड्रा फेशियल, हाइड्रा है ना, ये सेम मास्क उसमें यूज हो रहा होता है। ठीक है, इसमें सिंपल आप जेलेटिन अगर ऐड कर देंगे तो वही मास्क हो जाएगा जो पूरे फेस पे लगाया जाता है और इसको यूं यूं करके निकाला। ओह रियली, सिर्फ जेलेटिन शामिल करना है। क्या खुशबू है ना। यस यस, वाह इट्स सो गुड। और सारी चीजें नेचुरल हैं, नेचुरल, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर, कोई आर्टिफिशियल स्मेल नहीं। नेक्स्ट में कभी शो पे आई तो मैं हम थोड़े से डिफरेंट इंग्रेडिएंट के साथ हम वो वाला मास्क भी बनाएंगे जो पूरे फेस पे लगकर इस तरह रोल अप करते हैं। आपने सिर्फ इस तरह करके लगाना है एंड सो सॉफ्ट एंड स्मूथ लगा के छोड़ दिए। 20 मिनट्स के बाद आपने कॉटन का कोई कपड़ा लेना है, कॉटन इस तरह लेकर थोड़ा सा कोई भी पुराना दुपट्टा ले लीजिए, लॉन का सूट ले लीजिए, एनीथिंग जो क्लीन हो, आपने फेस पे इस तरह करना है। वाह जबरदस्त, जब ड्राई हो जाए स्किन ना, जो हमने टोनर बनाया उसको आप हल्का सा स्प्रे कर लीजिए और फिर यूं यूं करके आप निकालिए,
सारी डेड स्किन सब कुछ रिमूव हो जाएगा, आपको लगेगा आप हाइड्रा फेशियल करवा कर घर आएंगे। क्या बात है, आज ये जो चार चीजें आपको बताई है ना डॉक्टर बतूल ने, ये तो सब आपने करना ही करना है, लेकिन आई एम श्योर आप लोगों के बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब अभी आप नहीं दिया गया होगा, बिकॉज आप कॉल कर रहे हैं, कॉल नहीं मिल रही होगी। मेरे भी बहुत सारे सवाल आते हैं स्किन से मुतालिक। ब्रेक पे जा रहे हैं, जो ब्रेक से वापस आएंगे आपकी कॉल्स लेंगे। डॉक्टर बतूल को हम नहीं जाने दे रहे हैं और डॉक्टर बतूल को हमने नहीं जाने दिया, बिकॉज मेरे बहुत सारे सवाल हैं इनके साथ। आप लोग अपने सवाल कर सकते हैं स्किन से रिलेटेड कोई भी अगर हो। अच्छा, अब डॉक्टर बतूल आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि वो तमाम खवातीन जो कहती हैं हमारे पास टाइम नहीं है, बिजी हैं, कैसे जो रात में सोने से पहले 5-10 मिनट अगर वो अपने लिए निकाल लें तो उसमें क्या ऐसी रिजीम करें हेल्दी फेस या हेल्दी स्किन? जस्ट 5 मिनट्स आर एनफ। एक तो आपको अपनी टाइप ऑफ स्किन पता होनी चाहिए, ठीक है, अगर वो आपको मालूम है तो उसके मुताबिक आपका क्लिंजर या फेस वॉश होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, क्लिंजिंग उस वक्त करना नेसेसरी है अगर आप वर्किंग लेडी हैं और आप मेकअप कर रही हैं, तो क्लिंजिंग इज मस्ट, देन यू विल गो ऑन फेस वॉश। पहले आपने क्लिंजिंग करी, फिर फेस वॉश किया, फिर बिल्कुल आपने वाटर, गर्मियां हैं तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर बिल्कुल ड्रॉप, सही है, मटर के दाने के जितने आपको फेस पे लगाना जरूरी है, नो मैटर आपकी ऑयली स्किन है। अगर आप एंटी एजिंग इफेक्ट, मेरी ऑयली स्किन है लेकिन मैं लगाती हूँ, क्यों आयशा? द थिंग इज दैट जब आप फेस वॉशेज यूज़ करते हैं या कोई सोप यूज़ करते हैं तो वो आपकी फर्स्ट लेयर के साथ आपके स्किन बैरियर का ऑयल भी खींच लेते हैं, ठीक है। तो आप मॉइस्चराइज करेंगी तो फिर आपका, चाहे वो विटामिन ई बेस्ड मॉइस्चराइजर हो, चाहे वो एलोवेरा बेस्ड मॉइस्चराइजर हो, एनी वन, ठीक है, आपने है। जो है बिल्कुल ड्रॉप लेकर आपने गीले फेस पे लगा लीजिए, नेवर वाइप योर फेस, ओ अच्छा, फेस को आफ्टर फेस वॉश, ठीक है, क्योंकि वो पानी अंदर जाना चाहिए, okay. वो फिर वो वाटर बेस्ड हो गया, देन आप कोई अच्छा सा सीरम जो आपको आपकी स्किन के मुताबिक हो, विटामिन सी बेस्ड हो, एलोवेरा बेस्ड हो, नियासिनामाइड हो, एनी वन, हाइलुरोनिक एसिड हो, वो आपने लगाना है फेस पे, अपवर्ड मसाज कीजिए, ऐसे करके, ठीक है, ये दो आपने ऐसे बना लीजिए और ऐसे करके आपने मसाज कर, ठीक है, अराउंड द आई भी ऐसे ऐसे करके, ये और ये, ठीक है, ठीक है, आपने मसाज किया, 10-15 ड्रॉप्स लेने हैं आपने, मसाज करके आप सो जाइए। जबरदस्त कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, मिसेस फाइक है इस्लामाबाद से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस शाहिद हूँ। अच्छा मिसेस शाहिद, ओके जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी जी, मुझे डॉक्टर को तुम से पूछना है, मेरी एज 50 इयर्स है, मेरी एक दफा पहले भी आपसे बात हुई थी, ओके, और अब सेकंड टाइम कॉल लगी है, तो मेरा ये प्रॉब्लम है कि मेरे फेस पे एक्ने के ना निशान है ब्लैक कलर की, ठीक है, तो ये मुझे ये होता है जब पीरियड से पहले मुझे एक एक्ने जो है ना वो मस्त आती है फेस पे, कहीं ना कहीं शुरू से आती है, ठीक है, तो अभी ये हुआ कि मेरे फेस पे ये पहले ये 3 डॉट बन गए, अब ये लास्ट मंथ में ना एक और बन गया जो कि बहुत बुरा लगता है, तो वो किस तरह से खत्म हो सकता है? ठीक है डॉक्टर बतूल, अच्छा, कुछ पूछना चाहती हैं आप? अच्छा वो तो इनका इशू नहीं, मैं बेसिकली समझ गई, अभी आपको बता देती हूं, ये जो आपको इशू है बेसिकली वो हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से हो रहा है। बहुत सारे ऐसे अवेलेबल हैं साशे जिनमें इनोक्सिटॉल होता है, तो वो आपने पीरियड से 10 डेज बिफोर यूज़ करना है, तो आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। एंड स्टार्ट टेकिंग इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, वो आपके बैलेंसिंग ऑफ हार्मोन में बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज एज ऑल्सो मैटर, 30 इयर्स के बाद ये इशू होते हैं। आपने इवनिंग प्रिमरोज ऑयल लाइक 3 मंथ्स यूज़ करी, देन आफ्टर दैट क्विट इट, 1-2 महीने का गैप दीजिए, लेकिन देखें अगर इन द मीन टाइम आपके बच्चों के एग्जाम्स हैं, मूड में चिड़चिड़ापन आ रहे हैं, 4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 4 फैक्टर अगर आपको लगता है हेयर लॉस हो रहा है, आपका स्किन का टेक्सचर जो है वो डिफरेंट हो रहा है, मूड में चिड़चिड़ाहट है और हड्डियों में दर्द है, तो ये 4 फैक्टर मीन्स कि आपका विटामिन डी वो बहुत ही बिलो लेवल पे, बिलो लेवल 10 से नीचे, ऑप्टिमल लेवल जो है वो 50-60 होता है अकॉर्डिंग टू एज, हाइट कितनी है आपकी और आपका वेट कितना है, ये 3 चीज़ों को मल्टीप्लाई करके प्लस करके हम ऑप्टिमल लेवल निकालते हैं। तो आप जितनी आपकी एज है तो 50 से अबव ही होना चाहिए, ऑल दो मैंने आपका वेट नहीं पूछा, बट इट मस्ट बी अबव 50। अगर ये 4 चीज़ें आप नोट कर रहे हैं तो विटामिन डी आप चेक कराए बगैर इंजेक्शन लगा लीजिए या फिर 2 लाख यूनिट की कैप्सूल खा लीजिए, उससे आपको फ़र्क पड़ेगा, आपका जो है वो मूड चेंजेस, आप खुद ही हैप्पी रहेंगे, आपके हैप्पी हार्मोन्स बढ़ेंगे, आपके बालों का टेक्सचर अच्छा हो जाएगा, स्किन का टेक्सचर अच्छा होगा, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो हमें दुआ दीजिएगा, आयशा को याद रखिएगा और हम टीवी को याद रखिएगा। मैं तो अभी से जो है ना वो डॉक्टर बतूल को दुआएं दे रही हूँ और बड़ी खुश हो रही हूँ। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं, बुशरा हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। बुशरा, ये मौका बार बार नहीं आता, क्या पूछना चाहती हैं डॉक्टर बतूल से? जी जी, 2 चीजें मैंने पूछनी है। एक तो अभी जो रेमेडीज डॉक्टर साहब ने बताई है, तो उसमें जो उन्होंने मेडिसिन यूज की है उनके नाम प्लीज वो क्लियर नहीं हो रहे थे, अगर आप लोग एक कार्ड चला दिया करें
तो बहुत हेल्पफुल होगा सबके लिए। और दूसरा ये पूछना था कि मेरे बालों में गिरा बहुत ज्यादा पड़ती है, चाहे मैं उनको कंडीशनर भी लगाती हूँ शैम्पू के बाद, लेकिन फिर भी इतनी गिरा होती है कि वो इतने टूटते हैं कि मुझे कंघा करते हुए डर लगता है। ठीक है, ठीक तो है। बहुत वो पतले और बाल और कमजोर है, और हेयर लाइन जो है वो मेरे बेटे के वो हेयर लाइन उसकी ज्यादा हो रही है, भी उसकी एज है वो 23 है। ओके ठीक है, उसके लिए भी कुछ पूछना है तो जज़ाकअल्लाह आप हेल्प कर दे रहे हैं। चलिए अभी कर देते हैं। अच्छा, पहले वाले सवाल का जवाब ये है कि बिल्कुल हम नेक्स्ट टाइम से ये करेंगे कि एक कार्ड बना के चला दिया करेंगे। इनका जो सेकंड सवाल था कि बालों में जो उलझ जाते। अच्छा, पहले वाले का बहुत इजी है, हमने सिर्फ दो चीज़ें डाली हैं, एक वाइटामिन ई और कोक्यू 10 की एक कैप्सूल, इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है, आप लेंगी। वैसे तो आप उसमें भी देख सकती हैं, रिकॉर्डेड शो भी होता है, वो आप देख सकती हैं। और जो है जो पहला सेकेंड इनका है कि बालों में किंकिंग हो रही है या गठाएँ पड़ रही हैं, उसका भी यही रीज़न होता है। आपको अपना थायराइड लेवल चेक कराना ज़रूरी है, वाइटामिन डी कराना ज़रूरी है। ताल्लुक क्या है? ताल्लुक ये है कि जो आपका पसीना है वो इतना एसिडिक है कि वो आपके बालों में जो है, आप अगर यूँ स्ट्रेच करते हैं ना, तो वो स्ट्रेचिंग करके वापस किंकिंग कर रहा है, रोल अप हो रहा है, तो वहाँ पे एक बाल, दूसरा बाल, तीसरा बाल, तो वो आपके गिठाएँ पड़ रही हैं जो कि खोलना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि बाल आपस में जो है वो इंटरमिंगल हो जाते हैं। तो आपने विटामिन डी का टेस्ट कराइए, आप CBC करवाइए और थायराइड के टेस्ट कराइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। और इसके अलावा आप इसका सोल्यूशन ये कि आप लकड़ी वाला कोम यूज़ करिए, उससे इजीली निकल जाते हैं और अच्छे आपकी जो बालों की टाइप है, ड्राई है, ऑयली है, कौन से हैं, उसके लिहाज से कंडीशनर लीजिए और उसमें एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर दीजिए। एप्पल साइडर विनेगर को आपने पहले यूँ करके लगाना है और फिर ऊपर से कंडीशनर लगाना है। ठीक है, दोनों को मिक्स करके भी लगा सकती हैं। तो क्या होगा, हल्के हल्के एप्पल साइडर विनेगर वो जो जहाँ पे इनका गठाएँ बढ़ी हैं वो उसको खोल देगा। नाइस। और फिर लकड़ी के कोम से आपने करना है। और ये आयशा इतनी प्रॉब्लम है कि मेरे पास जो है स्पेशली ये 30, 40 और 60 ईयर्स पे कॉमन है, तो वो आकर शी इज़ लिटरली क्राइंग। वो अबू धाबी से आई थी और उनके बाल ऐसे थे क्योंकि शैम्पू ही नहीं हो रहा था। बिल्कुल, वो इतनी ज़्यादा एक के बाद एक कि शी हैज़ लॉस्ट हर ब्रदर बेसिकली इन करोना, और उसके बाद से ज़्यादा आप डिप्रेशन में गए, एक एनजाइटी, और फिर वो विटामिन डी कम हुई तो उससे बढ़ते बढ़ते तो वो उन्होंने यूँ खेंची लेकर यहाँ से यूँ बाल काट लिए अपने। Oh my God. अब वो बेचारे भाई उनके लेकर आए थे एंड ही डिड इट, और मैं कहती हूँ बहुत उन्होंने ऐसी जॉब करी अपनी। ख्याल रखना आपस में और कम्युनिकेशन, जो हमारा कम्युनिकेशन कम होता जा रहा है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि हम आपस में एक दूसरे से बात करें, ख्याल रखें एक दूसरे का। आप हम बात करेंगे तो फिर मसाइल का पता चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मसाइल सिर्फ किसी से कहने से ही आधा बोझ इंसान का कम हो जाता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बहुत बहुत, जैसे मुझे लग रहा है मैंने इनको बता दिया ना, मेरा आधा बोझ कम हो गया बेटा, बट कभी ये कभी वो कभी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बतूल आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेल जनाब, ब्रेक पे जाने का टाइम है। जो टेस्ट इन्होंने बताए हैं हमारे तमाम कॉलर्स को, पहले वो कराइए, जब उनके रिजल्ट रिपोर्ट आए तो जो भी आपके शहर में, आपकी विसिनिटी में जो भी डॉक्टर है उनके पास जाइए, रब्ता कीजिए, देन सी कि क्या इसका इलाज निकल सकता है। और डॉक्टर बतूल का भी नंबर हमने चलाया है, तो व्हाट्सएप पे आप इनसे बआसानी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे शो का रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आने के बाद मुलाकात करवाएंगे आपकी उन इंसान से जो कि नाबीना लोगों के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का काम कर रही हैं। क्या कर रही हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद बताएंगे। जल्दी से आ जाइए।